نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. زندگی بھر ایک مومن اس کوشش محنت और दुआ के साथ अपनी सुबह शाम करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को उसके मामलात को और अफ़ाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस करके जी सके और इसी नियत पर इसी इखलास पर इख्तिताम भी ज़रूरी है जो हर मोमिन की ख्वाहिश है कि हमारी वापसी हमारी रवानगी इस हाल में हो कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने ईमान को खुलूस के साथ ले जाने वाले हों इत्मीनान कल्ब के साथ वापसी हो। इस सब के लिए हम दुनिया में जीने के तरीके सीखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी इबादात में लज्जत और उसके अहकामात की पाबंदी को शरीयत की नज़र से लेके चलने की कोशिश करते हैं और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अगर इन्हीं चीज़ों पर हमारा इख्तिताम भी हो हमारे आखिरी रसूमात आखिरी काम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी वाले उसकी रज़ा वाले और उसको खुश करने वाले हों। मगर ये सिर्फ बात दावों उम्मीदों और बातों तक नहीं है। जैसे दुनिया में भी किसी काम की तकमील आप मेहनत के बगैर नहीं कर सकते, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह से आखिरी अंदाज और आखिरी काम भी मसनून हमें फिर सीखना होगा। ठीक है, उस पर हमें मेहनत करनी होगी, हमें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए अहकामात या तौर तरीके दुनिया में ही समझने होंगे, यानी आखिरत की आखिर वक्त की रवानगी की सारी तैयारी कब करनी है, उससे पहले पहले करनी है। मसलन हमारे घर वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे इर्द गिर्द वाले, हमारे कॉन्टैक्ट्स, वो कितना अवेयर हैं, वो कितना जानते हैं दीन के बारे में, कितना शऊर रखते हैं। बाय चांस मुस्लिम तो हम सब हैं, हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबाओ अजदाद कलमा गो हैं, मगर क्या ये काफ़ी है? अगर आप, जब मैं इस टॉपिक को सोच रही थी तो मैं ये देख रही थी कि अगर हम इंटरव्यू करें और एक रेशो लें कि हमारी सोसाइटी में कितने लोग ऐसे हैं जिनको मसनून तरीका उन सारी रसूमात का, जैसे हमने गुस्ल मैयत पे बात की, उसके बाद कफन दफन है तो नमाज जनाजा है, कितने और ख़ास तौर पर मर्द हजरात कितने फ़ीसद हैं जिनको नमाज जनाजा का सही तरीका आता है? यानी वो औलाद जो अपने वालदैन से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनकी उनकी सेहत, उनकी सलामती, उनकी खुशी के लिए मेहनत कर रही है, वो भी क्या इस काबिल है कि अपने वालिद या वालदा की वफ़ात पर हाथ उठा के नमाज जनाजा मसनून तरीके से अदा कर पाए, या उस ऐन वक्त पे भी वो गैरों के मोहताज हैं इवन दुआ करने के लिए भी? तो ये ऐसा काम है जिसके बारे में हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। जैसे हम गुस्ल मैयत की बात कर रहे थे, जैसे हम कफन की बात कर रहे थे, ऐसे ही नमाज जनाजा हमारे अपने वो रिश्तेदार, हमारे अकरबा, हमारी नस्लें, हमारे घर वाले, हमारे इर्द गिर्द वाले, हमारे बहन भाई, क्या उनके अंदर ये शऊर हो जाना चाहिए पैदा कि एक ख़ानदान में से अगर कोई एक अल्लाह के हजूर हाजिर हो रहा है तो पिछले जो हैं वो मसनून तरीके से उसकी वापसी के लिए तैयार हैं? फिर इसी तरह से दोस्त अहबाब और अकरबा में भी क्या सारे जो जिनके बारे में हमें लगता है कि वो हमारी खुशी में खुश और हमारे हमारे गम में दुखी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ खड़े होने की पोजीशन में है अच्छे मसनून तरीके से?
और कहते हैं ना कि दोस्तों को चूज करते हुए ध्यान रखो, क्योंकि तुम अपने जनाजे की पहली सफ तैयार कर रहे हो। दोस्तों की लिस्ट क्या होती है? जनाजे की पहली सफ। क्या ये हकीकत है? और अगर वफादार दोस्त हैं तो वो सबसे पहले आपके जनाजे में आते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए दुखी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको इस मौके पे संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्या उनके अंदर ये अवेयरनेस है, या फिर ये कि किस तरह के लोगों के साथ हमारे ताल्लुक आते हैं, हमारे दिली रिश्ते किन के साथ हैं, हमारे दिली ताल्लुक किसके साथ हैं, क्या वो हमें संभालने वाले हैं, क्या दीन की समझ बूझ रखने वाले हैं। तो आज हम इंशाल्लाह नमाज जनाजा का तरीका और उस पर इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ये आखिरी नमाज कैसे अदा की जाएगी। इसमें सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हम सबको अपनी सारी ही आखिरी रसूमात की तैयारी दुनिया में करनी चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए और उसके साथ साथ कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की कि अपने घर वालों को वसीयत में भी ये बात मेंशन करके जाएं कि नमाज जनाजा किस तरीके से पढ़ाना है, और फिर ये कि कफन दफन में क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है, गुस्ल मैयत में मेरे लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ओवरबर्डन ठीक है, किसी को नहीं करना चाहिए कि आप स्पेसिफिक किसी का नाम ले लें कि फ़लाँ मुझे नहलाएगा, फ़लाँ गुस्ल देगा। हो सकता है उसके लिए आप तो चले गए, बाद में आपकी बात को समझना या उस वक्त अवेलेबल होना उसके लिए मुश्किल हो। तो किसी को ठीक है कि अगर आप अच्छे काम करके दुनिया से जा रहे हैं तो अच्छे लोग, अगर आप दीनदार हैं तो दीनदार लोग, अगर आप अल्लाह से डरने वाले हैं तो अल्लाह से डरने वाले लोग, अगर आप दीन के खिदमत गुजार हैं तो दीन के खिदमत गुजार खुद ब खुद आगे आ जाएंगे ऐसे सारे कामों के लिए। ऐसे होता है ना, अभी रिसेंटली जो कारी साहब जो हैं वफात पा गए हैं, आप देखिए कि उनका नमाज जनाजा कैसा नमाज जनाजा था और उनके नमाज जनाजा में कैसे कैसे दीन की खिदमत करने वाले बड़े बड़े उलमा ने शिरकत की, हालांकि बहुत कम वक्त में उनके अनाउंस किया गया था। कारी अल आसिम, उन्होंने कुरान की खिदमत में सारी उम्र गुजारी तो अल्लाह ने उनके लिए खुद ही इंतज़ाम कर दिया। लेकिन ये तब होगा ना जब हम जिंदगी में अपने कामों को, अपनी रूटीन को दीन की तरफ तरजीह बना के रखेंगे। जब दीन हमारी तरजीह होगा, कैसे लोग हमारे आखिरी वक्त में हमारे इर्द गिर्द बैठे होंगे, कैसे लोग शामिल होंगे, किस तरह के लोग, वैसे ही लोग होंगे जिस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारी, जैसे ताल्लुकात हमने लोगों से रखे, जिस तरह के लोगों के साथ हमने ताल्लुकात रखे। तो मैं चाहूँगी कि हम आप लोग होमवर्क के तौर पर भी इसको लें, अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में इस तालीम को फैलाएँ, इस पर काम करें। बाकी नमाजों की तरह नमाज जनाजा के लिए भी वज़ू और किबला रुख होना शर्त है। अलबत्ता अगर नमाज पर उस वक्त पहुँचें कि लोग पढ़ रहे हों और वज़ू के लिए वक्त ना हो तो तयम्मुम कर लें और अल्लाहु अकबर कहकर शामिल हो जाएं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना वज़ू प्लेस पे वॉशिंग एरिया में क्राउड होता है और इतनी जगह नहीं होती, या फिर ये कि मुमकिन नहीं होता, कोई हालात ऐसे होते हैं, तो बजाय इसके कि नमाज जनाजा ही निकल जाए, दुआ ही निकल जाए, तयम्मुम करके इख्तियार किया जा सकता है सफ़ को। फिर इसी तरह से तमाम नमाजों की तरह इस नमाज में भी सफ़ों की तादाद जो है वो ताक रखी जाएगी। तीन सफ़ें बनाना अफजल है, अगर लोगों की तादाद ज़्यादा हो तो तीन से ज़ायद सफ़ें भी बन सकती हैं, लेकिन कम तादाद की सूरत में एक या दो सफ़ें भी बनाई जा सकती हैं। याद रखिए ये फ़र्ज़ नमाजों की तरह बाजमात अदा की जाती है। फिर जमात कम अज़ कम तीन आदमियों से हो सकती है, इस सूरत में वो आम नमाज जनाजा की तरह इमाम के पहलू में खड़े नहीं होंगे बल्कि इमाम के पीछे खड़े होंगे। अब्दुल्ला बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, चुनाचे उनके घर में ही उमैर की नमाज जनाजा अदा की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे खड़े हुए, अबू तलहा रज़ी अल्लाह आपके पीछे और उम्मे सुलैम जोजा अबू अब्दुल्ला अबू तलहा के पीछे, और तीनों इनके अलावा इनके साथ कोई और ना था।
फिर नमाज जनाजा से कबल ना तो कोई अजान है और ना कोई अकामत है, बस अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि नमाज जनाजा तैयार है, तो सब लोग सफ़ बना के शामिल हो जाते हैं। फिर बहुत सी मैयतों पर एक ही नमाज जनाजा पढ़ना भी दुरुस्त है और हर जनाजे पर अलहदा अलहदा नमाज अदा करना भी जायज़ है। फिर नमाज जनाजा के लिए हाज़िरी जितनी ज़्यादा हो मैयत के हक़ में उतना ही अच्छा है। कुछ अहादीस हमें मिलती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मैयत के लिए मुसलमान जमात में से 100 आदमी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला उसके लिए उसकी सिफारिश को कबूल कर लेंगे। फिर जो मुसलमान वफात पा जाए उसके जनाजे में 40 ऐसे आदमी शरीक हों जो शिर्क न करते हों तो अल्लाह सुबहानहु ताला उनकी सिफारिश कबूल करेंगे। ठीक है। फिर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईन जनाजे की नमाज में इमामत का हकदार उसी को समझते जिसको फ़र्ज़ नमाज में इमामत का हकदार समझते थे। फिर इमाम को मर्द मैयत के सर के मुकाबिल और औरत मैयत के वस्त के मुकाबिल खड़ा होना चाहिए। नमाज जनाजा अगर मर्द और औरत दोनों का एक ही वक्त में होगा तो मर्द की मैयत इमाम के करीब और औरत की मैयत किबले की तरफ रखी जाएगी। नाफ़ी रहिमहुल्लाह से रवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर ने 9 जनाजों की नमाज एक ही दफ़ा पढ़ाई जिसमें मर्द मैयतों को इमाम के करीब किया और औरतों को किबले की तरफ और उन सब की एक सफ़ बनाई। याद रखिए बहुत सी मैयतों के साथ बच्चे की मैयत हो तो नमाज के वक्त उसे इमाम के करीब रखा जाएगा। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दुख्तर, सैयदना उबर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़र्जंद जिन्हें ज़ैद रज़ियल्लाहु कहा जाता था, इन सब का जनाजा एक साथ रखा गया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले सईद बिन अलास रज़ियल्लाहु थे। लोगों में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु, अबू सईद रज़ियल्लाहु और अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मौजूद थे। बच्चे का नमाज जनाजा इमाम के, बच्चे का जो जनाजा उसकी मैयत है वो इमाम के नज़दीक सामने रखी जाएगी। एक शख्स ने कहा मैंने इसे पसंद ना किया तो मैंने इब्ने अब्बास, अबू सईद, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, पूछा ये क्या है? उन्होंने फरमाया ऐसा करना ही सुन्नत है। फिर हैज़ या नफास वाली औरत की मैयत पर भी नमाज जनाजा इसी तरह पढ़ी जाएगी। बाज़ औक़ात किसी ऐसे एक्सीडेंट में, डिलीवरी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त वफात हो जाती है तो तरीका कार यही होगा। समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाह बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे काब की वालदा पर नमाज जनाजा पढ़ी जो नफास में वफात पा गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जनाजा के वस्त में खड़े थे। फिर इस नमाज में ना रुकू है ना सजदा है बल्कि सिर्फ क़याम है। फिर इस नमाज में भी आपस में बात नहीं करनी चाहिए। फिर नमाज जनाजा सिरी तौर पर आहिस्ता पढ़ाना और जहरी आवाज़ से पढ़ाना दोनों तरह से सुन्नत से साबित है। ठीक है। फिर ये सफ़ बंदी के बाद क्या है कि तकबीरात हैं इस नमाज में, 4, 5 और 9 तकबीरात के साथ पढ़ना रसूल सल्लम से साबित है। अलबत्ता 4 तकबीरों से मुतालिक अहादीस ज़्यादा कवी और कसीर हैं। फिर तकबीरात कदरे बुलंद आवाज़ में कही जाएंगी ताकि पिछली सफ़ों वाले भी सुन लें। फिर हर तकबीर में हाथ उठाया जाएगा रफ़ील दाइन करना या सिर्फ पहली तकबीर के वक्त हाथ उठाना, दोनों तरह से साबित है। हर तकबीर में हाथ उठाना भी और पहली दफ़ा में हाथ उठाना भी। फिर पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा और साथ कोई दूसरी सूरत मिलाना भी दुरुस्त है। फिर दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी है नमाज में तशहुद वाला, फिर जो तशहुद के बाद पढ़ा जाता है। फिर तीसरी तकबीर के बाद मैयत की बख्शिश के लिए मसनून दुआएं, जितनी भी मसनून दुआएं हमें मिलती हैं। फिर चौथी तकबीर के बाद आहिस्ता सलाम फेरना सुन्नत है। ठीक है। फिर नमाज जनाजा 2 सलाम कहकर ख़त्म करना या एक ही सलाम पर ख़त्म करना दोनों तरीके से दुरुस्त साबित है, इसीलिए सिर्फ एक सलाम पर इक्तफा करना भी जायज़ है। जो दुआएं हैं इनको अलग प्रिंट भी अवेलेबल है, मैयत की बख्शिश की मसनून जो जनाजे में पढ़ी जाती हैं और इस बुक के अंदर भी आपको मिलेगी। मैयत की बख्शिश की दुआओं के कार्ड्स भी अलग से अवेलेबल हैं। जब भी किसी की मैयत की खबर मिले, किसी की वफ़ात की खबर मिले तो कभी खाली हाथ ना जाए। घरों में ये मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ये प्रिंट्स पड़े हों। जैसे ही आप जाएं, जाके वहाँ कुछ समझदार लोगों को बांटें ताकि सब लोग, अगर जैसे हमारे यहाँ अरबी को पढ़ना मुश्किल होता है तो देख के ही पढ़ते रहें, दुआ करते रहें। फिर इसी तरह से जब भी जाएं तो गुस्ले मैयत और कफन का जो सही तरीका है, अगर मुनासिब लगे कि वहाँ पर वो दिया जा सकता है तो वो साथ साथ दे दें ताकि जो नहला रहे हैं अगर वो स्टेप्स को देखना चाहें मसनून तरीके से तो उनको मदद हो जाए। और एक आखिरी जो वक्त है वो सुन्नत तरीके से किसी मोमिन मुसलमान का जो है वो अदा हो जाए। मैयत की बख्शिश के लिए जो मसनून दुआ है मैं चाहूँगी कि एक मरतबा उसको पढ़ लें और उसका तर्जुमा भी दोहरा लें।
اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب النار. ये दुआ ऐसी है जिसमें हम सब इक्वली मोहताज हैं, यानी ये उस वक्त हमें इसकी ज़रूरत है जब हम कुछ नहीं कर सकते. तो अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों को ये सिखा सकते हैं सिखा के जाएं, ताकि वो जिस जिस के लिए पढ़ें आपको उसका फ़ायदा पहुंचता रहे पहुंचता रहे. यानी हिर्स होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए. वैसे तो इल्म फैलाने में इंसान के अंदर वैसे ही हिर्स होनी चाहिए, मगर ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप ख़ुद इंतहाई मोहताज हैं इस दुआ के. अल्लाहुम्मग़फिर लहु वरहमहु, ऐ परवरदिगार इसकी बख्शिश फरमा, इस पर रहम कर दे. वआफ़िही वआफ़ अन्हु, इससे दरगुजर करके इसको माफ़ कर दे. वअक्रिम नुज़ुलहु, इसकी अच्छी मेहमानी करना. ववस्सिअ मुदख़लहु, और इसकी रिहाइश को कुशादा कर देना, वसी कर देना वसअत से. वग़सिलहु बिल्माइ वस्सल्जि वलबरद, और इसे पानी बर्फ ओलों से धो दे, यानी इसकी कोई कमी कोताही ना छोड़, बिल्कुल पाक साफ़ कर दे. वनक़िही मिनल ख़ताया, इसे कोताहियों से इस तरह साफ़ कर दे. कमा नक़ैत थौबल अबयद मिनद दनस, जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है. यानी ख़ास तौर पर सफ़ेद कपड़े पे मैल या कोई दाग साफ नज़र आता है ना, तो उसको और ज़्यादा कॉन्शियसली धोते हैं. व अबदिल हुदारन खैरम मिन दारिही, इसको इसके पहले घर से बेहतर घर अता कर दे. व अहलन खैरम मिन अहलिही, और इसके अहल से बेहतर अहल अता कर दे, यानी घर वालों से और अच्छे घर वाले इसे वहाँ दे दे. कैसी तन्हाई का सफ़र है, और बे यारो मददगार बे सरो सामान. व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही, और इसके साथी से बेहतर साथी अनायत फरमाना. व अदखिलहुल जन्नता, और इसको जन्नत में दाखिल कर देना. व अईज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र, और इसको अज़ाब क़ब्र से बचाना. व मिन अज़ाबिन नार, और आग के अज़ाब से इसको बचा लेना. तो दूसरों को सिखाएंगे कब, जब खुद आता होगा ना, जब अपने ही बच्चों को आता होगा. जैसे बच्चों को अपने ख्वाब बता रहे होते हैं ना, मैं चाहता हूँ बड़े होकर तुम ये बनो वो बनो, पेरेंट्स बता रहे होते हैं ना, ये करो मेरा नाम रोशन करो, तो ज़रूर सोचें इस बात पे भी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जनाजे में तुम जब हाथ उठाओ तो तुम्हें पता हो मैं क्या मांग रहा हूँ. सिर्फ इमाम साहब की और कारी साहब की दुआओं पर आमीन आमीन ना बोलते जाओ, फहम हो उसका. और आप ये देखिए कि जो खूनी रिश्ते, जो करीब, जो अकरबा, जो आपकी कुछ लगते, आपके करीबी, वो दुख और दर्द दिल में रख के जो अल्लाह से मांगेंगे, और कोई कैसे मांग सकता है. तो सबसे बड़ी खैरख्वाही आपके अपने अजीज़ों के साथ क्या है, कि आप अल्लाह से उनके लिए आफियत और मग़फ़िरत मांगें शरे सदर के साथ, और ऐन उस वक्त पे जब वो कुछ नहीं कर सकते हैं अपने लिए. तो नमाज़े जनाजा में ये और इस तरह की और भी दुआज़ हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम या फिर सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर आपस में सल्फ सालेहीन ने जो मसनून अल्फाज हमें मिलते हैं वो दुआएं मांगी. तो होमवर्क के तौर पे उसको आप लोग याद कर लें, उसकी प्रोनंसिएशन ठीक हो, उनका तर्जुमा अच्छे से आता हो, वो मोर देन वन हो. फिर ये कि जनाजे के मौके पर ख़वातीन के लिए क्या अहकाम है. जिस मस्जिद या जनाजा गाह में ख़वातीन के लिए अलहदा और मुनासिब इंतज़ाम मौजूद हो, वहाँ वो नमाज़ जनाजा में शरीक हो सकती हैं.
जैसे हरमैन शरीफ़ैन या फिर मैयत के घर में फारिग बैठने से बेहतर है कि दुनियावी गुफ्तगू करने से बेहतर कि मैयत की मगफिरत के लिए हम ये मसनून दुआएं पढ़ सकें, यानी ख्वातीन, क्योंकि मर्द तो जनाजा लेके चले जाते हैं, ख्वातीन के लिए अगर कोई इंतज़ाम हो तो ठीक, वरना क्या होता है कि वो पीछे बैठी रहती हैं, मैयत चली जाती है, ख्वातीन सारी इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे से मिल मिल के रोती रहती हैं या बातें करती रहती हैं या फिर ये कि कोई ना कोई इस तरह से एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि मैयत के घर वाले भी, ख्वातीन भी जो पीछे हैं, वो सब ये दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली वलहू व अक़िबनी मिन्हु उक़बन हसनतन, ए अल्लाह मेरी और इस मरने वाले की बख्शिश कर दे और मुझे इसका बेहतरीन बदला अता करना। अजर और नेमुल बदल दोनों मुराद हैं, यानी अजर भी देना कि मैं सब्र कर रही हूँ, तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, और अच्छा नेमुल बदल भी देना। एक दफ़ा इस दुआ को पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली वलहू वअक़िबनी मिन्हु उक़बन हसनतन। फिर नमाज़ जनाजा पढ़ने और फिर मैयत को दफनाने के औक़ात के बारे में जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हदायत मिलती हैं, उनमें कुछ औक़ात ऐसे हैं जिसमें नमाज़ पढ़ने और मैयत को दफन करने से मना किया गया है। उसमें सबसे पहले तो ये कि जब सूरज तुलू हो रहा हो, फिर जब ऐन दोपहर हो, हत्ता के सूरज ढलने लगे, फिर जब सूरज गरूब हो रहा हो, यहाँ तक कि पूरी तरह गरूब हो जाए, तब तक यानी इंतज़ार करना चाहिए। फिर दिन के औकात में दफनाना मुस्तहब है, लेकिन मजबूरी में रात के वक्त भी दफनाया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के औकात में मैयत को दफन करने से सख्ती से मना फरमाया है, खा इसकी नमाज जनाजा ही क्यों ना अदा की जा चुकी हो, सिवाय इसके कि बहुत मजबूरी हो। और मजबूरी क्या हो कि मसलन मैयत का जिस्म सुबह तक ख़राब हो जाने का अंदेशा है, या तदफीन के लिए साथ जाने वाले दूर का सफ़र तय करके आए हैं, रास्ता दुशवार गुजार है, पुरख़तर है, वापसी को यकीनी बनाने के लिए, बाहिफाजत पहुंचने के लिए वापस तदफीन जल्दी करनी ज़रूरी है और फारिग होकर वापस पलटना है, या फिर कोई और इसी तरह का उज़्र हकीकी है, ऐसी सूरत में रात को दफनाना जायज़ है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को भी रात को दफन किया गया था। इस तरह से इंसान की ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाता है, माँ के पेट से आने वाला इंसान ज़मीन के पेट में चला जाता है, तन्हा, अकेला, खाली हाथ, बेसरो सामान, मट्टी की गोद में, बग़ैर किसी बिस्तर के, बग़ैर किसी रोशनी के, वहाँ सिर्फ आमाल की रोशनी साथ जाती है, आमाल की ठंडक साथ जाती है। मोहलत अमल ख़त्म हुई, अब फैसले का दिन आ रहा है, और अब वो आमाल जो उसने ज़िंदगी में किए वो क़यामत बरपा करेंगे, और हर इंसान की क़यामत उसकी आँख बंद होते ही गोया कायम हो जाती है। जैसे इंसान की आँखें बंद होती हैं, मोहलत अमल ख़त्म होती है, उसका अंजाम उसे नज़र आना शुरू हो जाता है, आमाल के बदले की खुशबू आने लगती है। अच्छे आमाल हैं तो अच्छी खुशबू, और अच्छे आमाल नहीं हैं तो बुरी खुशबू। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कहीं सफ़र में जा रहे हों तो बस के इंतज़ार में या गाड़ी के इंतज़ार में या फ़्लाइट के इंतज़ार में आपको वेटिंग एरिया दिया जाता है, तो जिस लेवल की आपकी, जिस क्लास की सीट होती है उसी तरह का वेटिंग एरिया होता है। अगर आप बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो आपका वेटिंग एरिया भी मुख्तलिफ होगा, और अगर आप इकॉनमी कर रहे हैं या तो जिस लेवल का है ये वक्त, फिर वो सफ़र के हालात भी बता रहा होता है कि सफ़र कैसा गुजरेगा। वेटिंग एरिया अच्छा है, लग्जरी है, तो फिर सफ़र भी अच्छा गुजर जाएगा। ये फ़ैसले की वो घड़ी है जो इंसान की सारी उम्र के दिन, हफ्तों, महीनों, सालों का हिसाब सामने लाके इंसान को महसूस करा देता है कि आगे क्या पेश आने वाला है। और गाड़ियों में या बड़े घरों में या छोटी झोंपड़ियों में रहने वाले सारे के सारे एक चंद फुट की जगह पे समा जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इस फैसले के दिन के बारे में फरमाते हैं, आलिमत नफ्सुम्मा अहदरत, हर शख्स जान लेगा वो क्या लेकर आया है।
साठ सत्तर अस्सी साल की ज़िंदगी, तीस पैंतीस साल की ज़िंदगी, जितनी भी मोहलत अमल थी उसमें जो कुछ भी किया वो सब का सब इंसान पहचान लेगा, और वो ऐसी हकीकतें दिखाने वाला दिन है कि ज़िंदगी में जिस माल मनसब अहल के दरमियान रह के वो जैसे भी अमल करता रहा, यौम ला यन्फ़ु मालुन वला बनून, आज के दिन ना माल कोई फ़ायदा देगा और ना ही कोई औलाद। यौम ला युग्नी मौलन अन मौलन शैआ, जिस दिन कोई दोस्त अपने दोस्त के कुछ काम ना सकेगा। ज़िंदगी में इंसान अपने दुख सुख बांट लेता है, गम शेयर करके कोई अपने अपनी थकावटें उतार लेता है, बोझ हल्के कर लेता है, किसी मुश्किल में होता है तो दोस्त काम आ जाते हैं। वो कब्र एक ऐसा मंजिल, ऐसा मकाम, ऐसा मकान, ऐसा घर है जिसमें कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आता। कोई कितना ही आपका अजीज हो, वो आपको अकेला तनहा छोड़ के वहाँ से वापस पलट जाता है। कोई भी नहीं कहता कब्र में तुम अकेला कैसे, क्या मैं भी साथ उतर जाती, नहीं। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, आदमी उस दिन अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी, अपने बेटों से दूर भागेगा कि मुझसे कुछ मांग ना लें, कोई नेकी मेरी ना ले लें, क्योंकि इतना नफसा नफसी का आलम होगा कि हर एक को बस अपनी ही फिक्र होगी। व यौम यकूमुल अशहाद, उस दिन जब गवाह खड़े होंगे, व यौम तशहद अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम, जिस दिन उनकी अपनी ज़ुबानें, उनके अपने हाथ, उनके अपने पाँव उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, क्योंकि इन सब को इस्तेमाल करते हैं ना हम अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में भी ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं और अल्लाह की नाफरमानी में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हम अपने आज़ाद जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों की खुशनूदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अपने खालिक इनके मालिक की खुशनूदी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो यौम तशहदु अलैहिम, इसी पर गवाह है, यानी वो हमारे खिलाफ खुद गवाही देने लगेंगे, और गवाही भी कैसी होगी, फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, लिहाजा किसी की कुछ भी हक तलफी न होगी। यानी ऐसा अल्लाह ताला ने वहाँ पे रखा होगा कि गवाह भी होंगे, आमाल लिखे हुए भी मौजूद होंगे, फरिश्तों ने भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी के साथ कोई भी जुल्म हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने दूसरे शख्स पर जुल्म कर रखा है, चाहे वो जानी जुल्म हो या माली जुल्म हो, आज वो इस जुल्म से माफ़ी मांग ले या सोना चांदी देकर इस दिन के आने से पहले हिसाब किताब पूरा करा ले, जिस दिन न दिरहम होगा, न दिनार होगा, न सोना चांदी होगा, और ये सब होता भी तो कुछ काम न आएगा। इस मंजिल पे पहुंचने से पहले पहले अपने सारे पीछे के मामलात जो हैं वो ख़त्म कर लें, क्योंकि सब इसी मंजिल के मुसाफिर हैं, हम सब ने इसी कब्र की मंजिल को पहुंच जाना है, हम सब का सफ़र यहीं जाके ख़त्म होना है, मंजिल तो कब्र ही है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफ़र है, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफ़र है, दुनिया के ऐ मुसाफिर, जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए, इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर,
ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं हैं, मखमल पे सोने वाले मट्टी में सो रहे हैं। ये आलीशान बंगले किसी काम के नहीं हैं, महलों में सोने वाले मट्टी में सो रहे हैं। दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, दुनिया के ए मुसाफिर, दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है, दुनिया के ए मुसाफिर। आँखों से तूने अपनी देखे जनाजे कितने, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है, दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है, दुनिया के ए मुसाफिर। कब्र दुनिया का आखिरी घर और आखिरत के घर का पहला दरवाज़ा है। सैयदना बरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे, आप कब्र के किनारे बैठकर रोने लगे, हत्ता कि मिट्टी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से तर हो गई। फिर आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, इस दिन के लिए कुछ तैयारी कर लो। आप इतना रोए कब्र को याद करके कि मिट्टी गीली हो गई। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह के आज़ाद करदा ग़ुलाम हानी रज़ी अल्लाह का बयान है कि सैयदना उस्मान जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो रोते, यहाँ तक कि अपनी दाढ़ी तर कर लेते। इनसे पूछा गया कि जन्नत और जहन्नुम के ज़िक्र पर आप इतना नहीं रोते, अलबत्ता कब्र को याद करके क्यों रोने लगते हैं? तो उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है, कब्र आखरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर यहाँ आदमी निजात पा गया तो बाद का मसला आसान है, अगर यहाँ छुटकारा नहीं मिला तो बाद के मराहिल तो बड़े सख्त तर आएंगे। नीज़ मैंने रसूल सल्लम को ये फरमाते हुए सुना, कब्र से ज़्यादा होलनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हानी कहते हैं, एक कब्र के पास खड़े होकर सैयदना उस्मान ये शेर पढ़ रहे थे, फ़इन तंजु मिन्हा तंजु मिन ज़ी अज़ीमतिन व इल्ला फ़अन्नी ला अखालुका नाजिया। अगर तू कब्र की मुसीबत से निजात पा जाए तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत से निजात पा जाएगा, वरना मेरा ख्याल ये है कि फिर तेरी निजात नहीं है, फिर तू बचने वाला नहीं। तो जब भी किसी मुश्किल से दिल फटने लगे, कोई आजमाइश बहुत बड़ी लगे, किसी रिश्ते से बहुत तकलीफ़ पहुँच रही हो, कोई मुसीबत बहुत ही भारी हो जाए, दिल पर दम घुटने लगे, किसी तौर भी उसके डिप्रेशन से निकलने मुश्किल हो रही हो, तो याद रखें कि सबसे कड़ी, सबसे बड़ी, सबसे होलनाक, सबसे डरावनी मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल कब्र की पहली रात है। जैसे इंसान कहते हैं ना कि वो लम्हा तो गुजारना ही मुश्किल हो गया, और वो तकलीफ तो मैं वो वक्त कैसे काटा नहीं पता, सबसे मुश्किल वक्त कौन सा है? कब्र की पहली रात। सबसे बड़ी तन्हाई कौन सी है? बाज़ुकात रिश्तों के छूट जाने से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़िंदगी से कुछ लोगों के चले जाने से परेशान हो जाते हैं, या कोई और गम ऐसा पाल लेते हैं जिनसे उनको अपना आप मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हकीकत यह है कि इंसान अगर
हकीकत पसंदी की नज़र से सोचे तो दुनिया की कोई मुश्किल इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है जितनी कब्र की पहली रात है। इसी तरह किसी की तरफ से दिल साफ करना मुश्किल लग रहा हो, किसी गुनाह से निकलना मुश्किल लग रहा हो, किसी को माफ़ करना मुश्किल लग रहा हो, किसी तकलीफ को मैनेज करने में तंगी हो रही हो, किसी का दुख भुलाना मुश्किल लग रहा हो, तो क्या याद करनी चाहिए कि ये तन्हाई जो अब मैं महसूस कर रही हूँ ये तो ख़त्म हो जाने वाली है, एक नहीं तो दूसरा ऑप्शन मौजूद है। किसी न किसी तरह आप खुद को बहला लेते हैं, सो तरीके हैं, लेकिन वो पहली रात कैसे गुजरेगी जब सब छोड़ के जाएंगे। अल्लाह ताला जिंदगी में हमें बड़ी तन्हाई से पहले कई मर्तबा तन्हा करते हैं, सबके बीच में रहते हुए भी उस तन्हाई का जायका चखाते हैं ताकि इंसान इस हकीकत को जान ले कि बिलाखिर उसने तन्हा अल्लाह के पास वापस चले जाना है। और हकीकत पसंद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर पूरे खलूस के साथ ईमान वाली ज़िंदगी गुजारे और अपने आमाल पे नज़र रखे कि मुझे अपने रब से मुलाकात की तैयारी में कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है क्योंकि सब ने मुझे छोड़ जाना है, क्योंकि इन्हीं रिश्तों या दुनियावी इन्हीं फ़ायदों या दुनिया की इसी मसरूफियत या कामों की वजह से इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को बाज़ुकात छोड़ देते हैं। तो उससे मुलाकात और तन्हाई की मुलाकात से पहले पहले दुनिया में ही सब कुछ होते हुए भी इंसान ख़ुद को तन्हा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करे, उससे बात करे, उससे हाल दिल बांटे और सबसे ऊपर उसको रखे। इसीलिए मोमिनीन की सिफ़त बताई गई है, आमनु अशद हुब्बन लिल्लाह, वो डरने में भी सबसे ज़्यादा शदीद अपने रब से हैं, वो मोहब्बत में भी सबसे ज़्यादा शदीद अपने रब से हैं, तभी वो पुरसकून है, तभी वो मुतमईन है, तभी कब्र के घर में जाने से पहले फरिश्ते उनको कैसे वेलकम करते हैं, ऐ मुतमईन रूह। क्योंकि दुनिया की तन्हाइयाँ, दुनिया की घबराहटें, दुनिया के रिश्तों के छोड़ने, इन सब को वो हल्का कर लेते हैं अपने रब की मुलाकात को याद करके। और याद रखिए कि कब्र में इंसान को उसका छोड़ा हुआ अमल ही फ़ायदा या नुकसान देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले का अच्छा अमल अच्छी इंसानी सूरत में कब्र में उसके साथ रहेगा और बुरा अमल बुरी इंसानी शक्ल में उसके पास रहकर मज़ीद असीयत का सबब बनेगा। तन्हाई तो है ही, घुटन तो है ही, इसलिए हमें अपने लफ्ज़ों को ऑन करना चाहिए, अपने कामों को ऑन करना चाहिए, संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए, सोच समझ के सब स्टेप्स उठाने चाहिए और नतीजों पे नज़र रखनी चाहिए। कलाम का नतीजा या किसी फेल का अमल का नतीजा, लेन देन का नतीजा नज़र में रखना चाहिए। कुछ भी शुरू करने से पहले उसके आखिर पे नज़र होनी चाहिए। यह ऐसा साथी है इंसान का अमल जो दफन के वक्त से क़यामत बरपा होने के दिन तक साथ निभाता है, अच्छा या बुरा। एक और हदीस में है, तीनों चीज़ें इंसान की साथी हैं, तीन चीज़ें। पहला साथी कौन है? माल और असबाब, जो इंसान के साथ साथ रहता है सारी उम्र। हम किसी न किसी लेवल पर अपने साथ कुछ नेमतें लिए फिरते हैं आखिरी दम तक, मरते ही इनका साथ छोड़ जाता है। दूसरा साथी है उसका कुंबा, हल्का अहबाब, अच्छे या बुरे, छोटे या ज़्यादा, थोड़े या ज़्यादा, बड़े छोटे, जितने भी अल्लाह ने जो आपको ज़िंदगी में दे दिए हैं वो तदफीन तक आपके साथ होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। और तीसरा साथी अमल है जो बाकी रह जाता है कब्र में दाखिल होने और वहाँ से उठने तक साथ निभाता है। तीनों साथियों में से मैयत का सबसे सच्चा दोस्त है अमल, आपका साथ नहीं छोड़ता। एक सलफ सालिहीन में से कोई थे ना, जिन्होंने कहा था कि मैंने दुनिया में देखा कि हर कोई कोई ना कोई किसी के साथ मोहब्बत रखता है। मैंने देखा कि सब किसी ना किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, सबका कोई ना कोई महबूब है। तो मैंने देखा कि सबको उनके महबूब छोड़ जाते हैं, या छूट जाते हैं, या छोड़ जाते हैं, या ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सालेह आमाल को अपना दोस्त बना लूं, जो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे,
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. یہ ایسے دوست ہیں جن سے اچھی امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ آپ کو کبھی تنہا نہیں کریں گے, یہ آپ کے ساتھ رہیں گے, یہ آپ کے ساتھ رہیں گے. انہی کی دوستی, انہی کی محبت, انہی کے ساتھ, انہی کی توفیق کے لیے اللہ رب العزت سے باتیں کرتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, انہی کی صحبت کے لیے تڑپتے ہیں. تو قبر ایک ایسا گھر ہے جس میں آپ کو سب چھوڑ جائیں گے سوائے آپ کے عمل کے, آپ کے دل کا عمل, آپ کے خیال کا عمل, آپ کی زبان کا عمل, آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا عمل. پھر یہ آپ کے اچھے گواہ بھی بنیں گے. پھر یہ کہ دفن کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہمیں قرآن و سنت بتاتی ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ, سورہ عبس ہے, پھر اس کو ہم نے موت دی اور قبر میں دفن کرایا, اس کو موت دی اور قبر بھی بنوائی. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا, کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والے نہیں بنایا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. امام بخاری بیان کرتے ہیں سورہ عبس میں جو اقبرہ ہے تو عرب لوگ کہتے تھے اقبرت الرجل اقبرہ, یعنی میں نے اس کے لیے قبر بنائی, اور قبرتہ کا معنی میں نے اس کو دفن کیا. اور سورہ مرسلات میں جو کفاتن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے زمین میں بھی, زندگی میں زمین میں ہی تم نے گزاری, وقت گزارا, زندگی بسر کی, اور مر کر بھی تم اس کے پیٹ میں چلے جاؤ گے, اندر گاڑے جاؤ گے, زمین کے اندر مٹی میں چلے جاؤ گے. اور وسیع کشادہ ٹھنڈی قبر بھی اللہ کی نعمت ہے, اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ جب کسی گھر میں جائیں, نئے گھر میں داخل ہوں, کسی جگہ جاتے ہیں تو خیال آتا ہے نا اللہ یہ جگہ تو نے کتنی خوبصورت بنائی ہے, لیکن جو میری آخری جگہ ہے اللہ وہ بھی خوبصورت بنانا. ابھی ریسنٹلی کسی آپ میں سے ایک ساتھی کے اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر میں پروگرام کروایا, درس کروایا, تو میں وہاں جب انٹر ہوئی تو میرے دل میں ان کے لیے پہلی جو دعا آئی وہ یہی کہ اللہ اس کا آخری گھر بھی خوبصورت ہو, کمفرٹیبل ہو, ٹھنڈا ہو, پرسکون ہو, وہاں بھی اچھے ساتھی دینا. یعنی جب ہم گھر جاتے ہیں تو ایک اچھی فیل آتی ہے نا, آن کرتے ہیں ہم ایسے کہ یہ میرا گھر ہے, یہ سکون کی جگہ ہے, اپنا کمرہ, اپنا بیڈ, اپنی جگہ آرام کی. آپ اس جگہ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ میری ہے اور اب میں یہاں پہ یعنی ریلیکس ہوں, ایزی ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان کو یہی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا آخری گھر جو ہو وہ بھی آپ کی پسند کے مطابق دے, خوبصورت ہو. کیونکہ ہم سب کا مستقل گھر کون سا ہے؟ یہی قبر ہے, اس کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے. وہاں آرام کے لیے, وہاں سردی گرمی سے بچنے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. قبر ملنا بھی نعمت ہے, اور انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے جو اللہ نے یہ نوازا ہے فاقبرہ, اس کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ ہم اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے باقی مخلوقات سے زیادہ فرما بردار ہوں اپنے رب العزت کی. کیونکہ باقی مخلوق کو اللہ نے اس طرح سے قبر نہیں دی. دیکھیے باقی مخلوق جب مرتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, ان کی زندگی ختم ہوتا ہے, چڑیا, کوا, باقی مخلوق, تو ان کے کفن دفن, ان کی میت, ان کا قبر کیسے ہوتی ہے؟ کون ان کو دفناتا ہے؟ کہاں عزت سے ان کی میت یا ان کا جسم پڑا ہوتا ہے؟ یہ ساری عزت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے دی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے سب سے زیادہ تابع فرمان, پرخلوص, سب سے زیادہ ٹاپ پہ اللہ کی عبادت میں, سب سے زیادہ مخلص محنت سے اس کے احکام پر پابند رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن پاک میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنایا گیا ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی حیثیت سے متعارف ہوئے تھے, وہیں دفن کرنے کے طریقے کا ذکر بھی ملتا ہے. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري صوت أخي فأصبح من النادمين. اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا, پھر اس نے اسے قتل کر ڈالا تو وہ خود خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوا. بالآخر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ وہ اسے قاتل کو دکھا سکے, وہ طریقہ جس سے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکے. کہنے لگا افسوس میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی گزر گیا,
यानी मैं इतना गया गुजरा हो गया कि अपने भाई की लाश तो छुपा देता, फिर वो पछताने लगा। तो मिट्टी में दफनाने का यह तरीका रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए ख़ुद तजवीज़ फरमाया है। उस वक्त से मुसलमान अपनी मैयतों को इसी तरह दफन करते चले आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में मुख्तलिफ़ कौमें इसके अलावा दूसरे तरीक़ों से भी अपनी मैयतें दफन करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक इज़्ज़त वाला तरीका क्या है कि इंसान को मुकम्मल तौर पर ज़मीन के हवाले कर दिया जाए, फिर कुदरती तरीके से अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है उसके साथ वो मामला हो जाता है। और ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह को मानने वाले उसकी हदायत पर अमल करते हुए अपनी मैयतों को अच्छे तरीके से ज़मीन के हवाले करते हैं। वरना आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में मरने के बाद इस इंसानी जिस्म के साथ क्या क्या सलूक किए जाते हैं, कोई जला देता है कोई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को बनाने खोदने के हवाले से भी ये ऐसा अजर और ख़िदमत का काम बताया है जिसमें इस्लाम ने इसका भी अजर व सवाब जो है वो मुतय्यन किया है। आपने फरमाया जिसने मैयत के लिए कब्र खोदी और उसे इसमें उतारा, अल्लाह ने उसके लिए घर का अजर लिख दिया जिसमें वह क़यामत तक रहेगा। फिर कब्र की दो किस्में होती हैं, एक लहद यानी बगली कब्र और दूसरी शक यानी संदूकी, इसे ज़ुरैह भी कहते हैं। जो शक के अंदाज़ की कब्र है वो ज़रूरतन जायज़ है, लेकिन लहद अफसल है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहद हमारे लिए और शक हमारे गैरों के लिए नहीं, गैर अरब लोगों के लिए है। लहद बगली कब्र वो है जो लंबाई में शुमालन जनूबन और गहराई में सीधा खोदने के बाद इसकी गहराई में नीचे दाएं तरफ मगरिब की तरफ एक गड्ढा खोदकर उसमें मैयत को रखा जाता है और कच्ची ईंटों की दीवार से इस लहद को बंद कर दिया जाएगा। मिट्टी जो इसमें से निकाली गई थी वही इस जगह को भरने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये तरीका सुन्नत रसूल से साबित है, यानी सीधा गड़ा खोदते गए या ज़मीन के अंदर खोदते 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 नीचे तक जितना डीप जाना है जाके फिर इस तरफ ज़मीन के अंदर और खुदाई करते हैं। इसको लहद बोलते हैं, बगली कब्र, यानी ज़मीन की बगल में ज़मीन के अंदर चले गए, अब उसके अंदर जाके कब्र बना के फिर उसको जो उसका सुराख है उसको बंद कर दिया जाता है कच्ची ईंटों के साथ मैयत को अंदर रखने के बाद, और फिर जो ये वाली गहराई होती है इसमें से जो मिट्टी निकली होती है वापस उसके अंदर डाल देते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई है, ये लहद है। और शक क्या है कि जब ज़मीन कदर नरम हो वहाँ शक तर्ज की यानी संदूक की कब्र खोदना बेहतर है। इसमें कब्र की लंबाई में एक गढ़ा नहर की सूरत में दरमियाने कब्र खोदा जाएगा और इसमें मैयत को रख कर ऊपर तख्ता लगाया जाएगा, फिर मिट्टी डाल दी जाएगी। इसमें भी मिट्टी वही इस्तेमाल होगी जो खुदाई के वक्त इसमें से निकाली जाएगी। लहद जो है वो बगली कब्र होती है क्योंकि ज़मीन के अंदर जाके फिर गहराई में उसको जाना होता है, तो उसमें ये ख़तरा होता है कि ज़मीन मिट्टी जो है वो बैठ ना जाए, मिट्टी बैठ गई तो वो बंद हो जाएगा ना। जैसे ये खुदाई करके नीचे आए ऐसे खोदते जाते हैं, आप यूँ समझें ये मिट्टी है, यहाँ से खुदाई शुरू हुई है ऐसे खोदते जा रहे हैं, खोद के फिर इसके अंदर खोदा है और फिर मैयत को इस तरह से इसके अंदर रख के ऐसे ही अंदर चली जाती है मैयत। फिर इसको जो इसका ये जगह है पकड़ने वाली, इसको समझें कि ये कच्ची ईंटों की दीवार है, फिर जो ये पूरा डीप एक गढ़ा है जो मिट्टी निकली है वापस इसके अंदर डाल देते हैं, ये लहद है। और जो सिर्फ जाना फिर इसी जगह पे मैयत का रख देना, गया यहाँ तक आपने गढ़ा खोदा और फिर ये मैयत आ गई और फिर उसके ऊपर जो मिट्टी निकाली थी वापस वही डाल दी फट्टा लगा के तख्ता लगा के, ये जो है ये दूसरी टाइप है शिक। ये ऐसी ज़मीन के लिए है जहाँ पे रेतली या फिर नरम मिट्टी होती है, क्योंकि बगली कब्र में मिट्टी के बैठ जाने का ख़तरा होता है ना कि अगर वहाँ से खोदेंगे तो हो सकता है कि वो ऊपर से गिरने लग जाए, तो इलाका वाइज देखा जाएगा। समझ गए ना दोनों का डिफरेंस क्या है। वसीयत में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, आपको सिखाई गई है ना वसीयत कि रसूल सल्लम की सुन्नत लहद है और मुझे भी उसी तरीके से दफनाया जाए, इला माशाल्लाह के कब्रिस्तान या फिर इलाका या फिर जिस
जगह पे हमें दफना रहे हैं उसकी मिट्टी किस टाइप की है, ज़रूरत क्या है। फिर जो कब्र की अंदरूनी पैमाइश है उसकी गहराई, कब्र गहरी और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कम से कम गहराई आम कद के आदमी के सीने तक होगी, जिस इससे ज़्यादा पूरे कद की जितनी गहरी हो उतनी अफजल है। यानी जो पूरी एक लेंथ होती है एक इंसान की, नीचे जाके वो खड़ा हो जाए, खड़ा हो सके पूरा। हिशाम बिन आमिर से मरवी है, ग़ज़वे उहद में लोगों को सख्त तकलीफ़ पहुंची, अल्लाह की राह में बहुत से लोग मारे गए, तो रसूल सल्लम ने दफन से मुतालिक इरशाद फरमाया, खोदो और अच्छी तरह साफ़ करो, फिर एक कब्र में दो दो तीन तीन अफराद को दफन कर दो और कुरान करीम ज़्यादा जानने वाले को आगे करो। रसूल सल्लम एक अंसारी की तदफीन के वक्त हदायत फरमा रहे थे, सर की तरफ से खुला करो, पाँव की तरफ से खुला करो, इसके लिए जन्नत में कितने ही खजूरों के गुच्छे लटक रहे हैं। सुभानअल्लाह। फिर चौड़ाई कम से कम चौड़ाई आधे कद के बराबर होनी चाहिए और लंबाई कब्र मैयत के कद कामत से कुछ लंबी खोदनी चाहिए। जितनी मैयत की लंबाई है उसने लेटना है जिस ज़मीन पर जाके, सर की तरफ से भी जगह छोटी होनी चाहिए, पाँव की तरफ से, बहुत कंजस्टेड जगह पर नहीं लेटाना चाहिए। फिर इसी तरह से इब्न अब्बास कहते हैं, रसूल सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मक्का को हरम किया है, ना मुझसे पहले वो किसी के लिए हलाल हुआ ना मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा, घड़ी भर के लिए फतह मक्का के दिन वो मुझको हलाल हुआ था, इसकी घास नहीं काटी जाएगी, इसका दरख्त भी नहीं काटा जाएगा और वहाँ का जानवर भगाया नहीं जाएगा, यानी उसको शिकार नहीं कर सकते आप, और वहाँ गिरी पड़ी चीज़ ना उठाई जाएगी मगर जो उसकी शनाख्त कराए, मतलब मैनेजमेंट के लोग, इंतज़ामिया मालिक तक पहुँचाने के लिए उठा सकते हैं। फिर सैयदना इब्न अब्बास ने, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल इस खर एक खुशबूदार घास की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि वो हमारे सुनार काम में लाते हैं और हमारी कब्रों में डाली जाती है। आपने फरमाया इस खर की इजाज़त है। अबू हुरैरा ने इसे यूँ रवायत किया है, अर्ज़ किया गया, हमारी कब्रों और घरों के काम आती है, लिपाई करने में काम आती होगी, जैसे भूसा डाल देते हैं ना मट्टी को मजबूत करने के लिए, गंदम से जो निकलता है छिलका, तो इस तरह घास भी इस्तेमाल हो जाती है मजबूत करने के लिए, लिपाई करने के लिए। इब्ने अब्बास से मरवी है, रसूल सल्लम के दफन के वक्त जिसमें अतहर के नीचे एक सुर्ख चादर बिछाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम शकरान ने इसे बिछाया। अगरचे ये मुस्लिम और तिर्मिज़ी में भी रवायत की गई है बात, मगर ये इजाज़त आम नहीं है, मुमकिन है एहतराम नबी में उन्होंने ऐसे किया हो। अलबत्ता एक और रवायत के मुताबिक असहाबे रसूल सल्लम ने इस चादर को देखा तो इसे निकाल दिया, क्योंकि ये शकरान का अपना अमल था, ये सुन्नत नहीं थी, ना ही उन्होंने सहाबा इकराम से पूछा था। ठीक है, तो कब्र की मिट्टी के ऊपर ही लिटाया जाएगा। फिर कब्र में उतारना जो है उसकी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक मैयत को कब्र में उतारने वाले हजरात मजबूत और परहेज़गार होने चाहिए, यानी आखिरी वक्त में जो सर्विसेज दे रहे हैं वो परहेज़गार दीनदार अल्लाह से डरने वाले लोग हों। और ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी अनायत है कि आखिरी वक्त में इंसान को ऐसे हेल्पर्स मिल जाएँ। मैयत हल्की हो तो दो आदमी काफ़ी हैं, वरना हसब ज़रूरत तीन या चार, जितने भी आदमी उतारने के लिए ज़रूरी हों। औरत की तदफीन के वक्त पर्दे का इंतज़ाम ज़रूरी करना चाहिए। जनाजे के साथ जाने वाले अहले खाना घर से एक बड़ी चादर लेकर रवाना हो जो तदफीन के वक्त तानी जा सके ऊपर। फिर खावद अपनी बीवी की मैयत को कब्र में उतार सकता है। मैयत को पाइंती की तरफ से कब्र में उतारा जाएगा, ये पहले पाँव नीचे पकड़ाए जाएंगे और फिर सर, फिर मैयत को दाएँ पहलू पर किबला रुख करके लिटाया जाएगा। फिर कफन लिटा देने के बाद बंधन की गिरहें खोल दी जाएंगी, जो गिरह लगाई जाती है पाँव के नीचे जो कपड़ा बचा होता है, और सर के ऊपर जो कफन का बाकी हिस्सा बांधा जाता है उसको कब्र में लेटने के बाद खोल दिया जाता है। और ये कलिमात जो हैं अदा किए जाएंगे, बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति सुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नाम के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम इसे रख रहे हैं। फिर कब्र बंद हो जाने के बाद तदफीन के वक्त जितने भी हाजरीन होंगे दोनों हाथों में इकट्ठे मिट्टी भर भर कर कब्र पर सर की जानिब से डालेंगे, तीन मरतबा ऐसा करना मसनून है। देखें ये सब अकरबा कर लेते हैं। कब्र की जो बैरूनी साख है वो कैसी होनी चाहिए? कब्र की शक्ल कोहान नुमा होनी चाहिए, ऊंचाई ना बहुत ज़्यादा बुलंद हो ना ज़मीन के बिल्कुल बराबर हो, ज़मीन से तकरीबन एक बालिश्त के बराबर ऊपर हो, बस इतनी ऊपर। यहाँ पे अगर दफन कर दिया गया, मिट्टी बराबर कर दी गई है ज़मीन की सतह के बराबर,
वो गढ़ा जो खोदा गया था वो बराबर हो गया, ऐसे ये बराबर हो गया, मुर्दा अंदर दफन है, ये ज़मीन के बराबर हो गया, तो इसके ऊपर बस एक बालिश तो ऊपर हो, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर मिट्टी डालने के बाद थोड़ा पानी भी छिड़क देना चाहिए। कब्र पक्की बनवाना, इस पर चबूतरा बनवाना, मज़ार बनवाना, वो चार दीवारी जो कर देते हैं, मस्जिद या किसी किस्म की तामीर करवाना, इस काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को मना करके गए। और आप ये देखें कि कितना ज़्यादा है ये अमल हमारे यहाँ। फिर कब्र के सराहाने अलामत के तौर पर पत्थर रखा जा सकता है, ये फकत इतना बड़ा होना चाहिए जिसे एक आदमी कोशिश करके उठा सके बस। मुतलिब बिन वदाया बयान करते हैं, जब उस्मान बिन मज़ून की वफ़ात के बाद उनकी मैयत दफना दी गई तो रसूलुल्लाह ने एक आदमी को पत्थर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वो पत्थर ले आओ। कोई पहले से तराशा रखा हुआ नहीं था, बस ऐसे ही रास्ते में जो नज़र आया, जो पड़ा हुआ था वहाँ, वो आदमी वो पत्थर ना उठा सका, तो आपने आप सल्लम वहाँ तक गए, अपनी आस्तीन चढ़ाई, बाजू ऊपर किए। मुतलिब बयान करते हैं, जिन सहाबी ने मुझे सल्लम का ये वाक़या बयान किया वो फरमाते थे, गोया मैं आज भी रसूलुल्लाह सल्लम के बाजुओं की सफ़ेदी देख रहा हूँ जब आपने आस्तीनें ऊंची की थी, फिर आप वो पत्थर उठा लाए और उसके सर की तरफ रख दिया। यानी सहाबी नहीं कर सके तो आप सल्लम खुद उठा के ले आए। मैयत के भाई का बयान है कि इस पत्थर के निशान से मैं अपने भाई की कब्र को पहचान सकता हूँ, और अब भी जो मेरे ख़ानदान से मरेगा उसके करीब दफन करूँगा। गोया वो सिर्फ एक थोड़ी निशानी के तौर पर है कि यहाँ एक कब्र है, और करीबी लोगों को पता हो कि हमारा कोई साथी था या हमारी फैमिली से कोई था। कब्र पर कतबा लगाना, इस पर नाम, तारीख पैदाइश, वफात, शजरा, शायरी, किसी किस्म की कोई भी तहरीर लिखवाना, ये सब नाजायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा कराम, आपके खुलफाए राशिदीन, उनमें से किसी ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। अल्लाह ताला हम सब का आखिरी घर, आखिरी मकाम पुरसकून बनाए। اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته